अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो, अब क्या हमारे सामने खड़े होकर के फोन पे बात करोगी? तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है ना? मैं कह रहा हूं कि मेरा नंबर है, फिर भी मुझे फोन लगा रही हो, क्या हुआ? कोई बात है क्या? वो क्या है ना, हम तुम्हारे पापा के पीए हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम्हारा नंबर हमारे पास हो और हमारा नंबर तुम्हारे पास। पता नहीं कब कहां जरूरत पड़ जाए। नंबर सेव कर लो। वो रिंगटोन अगर इसकी नहीं थी तो हमने कहां सुना था? कहीं इसने अपनी रिंगटोन बदल तो नहीं ली? इस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, नजर रखनी होगी इस पे। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो एक ही गलती दोबारा करो। बुलबुल रंजू मिश्रा, तुम चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन तुम अपनी बहन से ठीक उसकी शादी पर ही मिलोगी, और उसके बाद सारी जिंदगी ये सोच के पछताओगी कि काश तुमने राजवीर शुक्ला की लाइफ को कंट्रोल करने का काम अपने हाथ में ना लिया होता। बुलबुल, कुछ पता चला? अभी तो कुछ भी नहीं विशेष जी, और हमारी मजबूरी ये है कि हम उसे साफ साफ पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर इस सबके पीछे राजवीर का ही हाथ है तो फिर दीदी की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर इस सबके पीछे राजवीर का हाथ नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? बुलबुल, तुम एक बार फिर सोच लो, हम पुलिस के पास ना जाके सही कर रहे हैं क्या? हाँ विशेष जी, हमें लगता है कि अगर हम पुलिस के पास गए और किडनैपर को पता चल गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। वैसे हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर किडनैपर को पैसे चाहिए तो वो पैसे ले और दीदी को छोड़ दे, ये शादी ब्याह की बातें क्यों कर रहा है ये? कहीं इस सबके पीछे आपकी फैमिली का हाथ तो नहीं है? बुलबुल, देखो हम जानते हैं तुम परेशान, इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी बोलोगे। हमारी फैमिली ऐसा कुछ नहीं कर सकती, समझी? एक बार शांति से सोचिए विशेष जी, इस सबसे सबसे ज्यादा सुकून आपके परिवार को ही मिलेगा, क्योंकि जब तक दीदी की शादी नहीं होती आप शादी नहीं करेंगे, और हो सकता है दीदी की शादी होने के बाद वो आपकी शादी की बात किसी और से करे। बुलबुल मिश्रा, जैसे तुम अपनी फैमिली को समझती हो वैसे ही हम अपनी फैमिली को जानते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारी फैमिली ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा क्या करें कि तुम हमारी बातों पे यकीन करो? फिलहाल तो हम वही करते हैं जो आप हमेशा से कहते आए हैं, एक दूसरे से उलझने के बजाय मुसीबत का हल ढूंढते हैं। विशेष जी, हमें इस राजवीर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप प्लीज उस पर थोड़ी सी नजर रखेंगे उसके घर के बाहर से। लेकिन हाँ, ये राजवीर बहुत ही शातिर इंसान है, उसे जरा से भी भनक नहीं हो कि आप उस पर नजर रख रहे हैं। ठीक है, हम उसे घर जाते हैं। ठीक है तो हम निकलते हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि कोई शालू को किडनैप क्यों करे? अरे इन फटीजरों के पास खाने के पैसे नहीं, रोटी कहाँ से देंगे? नहीं लकी, आई थिंक ये काम किसी किडनैपर्स का नहीं, इनके किसी दुश्मन का है जो इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। वैसे भी 10 लाख जुटाने में इनकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। हमें ये बात में कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या करेंगे, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये कारनामा किया किसने। अरे बाबा लाली, तुमको ये सब जानकर क्या करना है? अरे जिसका मुसीबत है वो अपना माथा फोड़े, हमको क्या? मामा, आपने वो कहावत सुनी है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए इस दुश्मन को अपने पाले में लेने में ही समझदारी है।
ताकि जरूरत पड़ने पर इस मोहरे को हम इस्तेमाल कर सके। ये तुम बिल्कुल करेक्ट बोला। माँ, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है रंजू और उसकी बेटियां, जिसकी वजह से गुड्डू जी हमें छोड़कर चले गए थे। हम गुड्डू जी को मनाकर वापस तो ले आए, पर इस बार वो अकेले नहीं आए, अपने साथ रंजू और उसके परिवार की फिक्र भी साथ में लेकर आए। हमें मिश्रा जी के दिमाग में उन सबके लिए वैसी नफरत पैदा करनी होगी जैसी पहले थी, ताकि वो हम पर और हमारे बच्चों पर ध्यान दे पाए। और इसके लिए कब कौन सा मोहरा काम में आ जाए कह नहीं सकते। लकी विकी, तुम पता करो ये किडनैप किया किसने। ठीक है माँ। तीन घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े, ये राजवीर तो निकल ही नहीं रहा। न जाने शालू जी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हमें आपसे प्यार हो गया है शालू जी, और हम जिंदगी भर तक आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं। आई लव यू शालू जी। आप भी हमसे प्यार करते हैं शालू जी। शालू जी, आप जहां कहीं भी हैं हम आपको ढूंढ के रहेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। हम यहाँ हैं और वहां माँ कितनी कमजोर हुई होगी, लोगों की आंखें कैसे इकट्ठे किए होंगे इतने सारे पैसे। मिश्रा जी के आगे हाथ फैलाया होगा या फिर विशेष जी ने अरेंज किया होगा। काश हम कुछ कर पाते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये राजवीर पैसे लेकर हमें छोड़ क्यों नहीं देता, ये शादी का नाटक क्यों कर रहा है। शालू जी, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपकी जबरदस्ती शादी नहीं होने देंगे। हम जानते हैं आप भी हमें पसंद करती, लेकिन फिलहाल हालात हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए आपने भी अपने दिल की बात अपने दिल तक ही रखी। कहीं बुलबुलिया की बात मानकर हम यहाँ राजवीर का इंतजार करते रह जाएं, और वहां शालू जी की शादी कहाँ ढूंढे उनको। उनको फोन किया तो कहीं वो किडनैपर उनको तकलीफ ना पहुंचाए। कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसका पीछा करके देखते हैं।
ये तो किसी का फार्म हाउस लग रहा है। अगर राजवीर ही किडनैपर है तो वो शालू जी को यहाँ क्यों रखेगा? वैसे तुम्हारी बहन है बहुत दिलेर, है ना? अरे यार तुम बोलो ही कैसे, तुम्हारी पट्टी तो मैंने खोली नहीं। दिलेर शेरनी है वो, जब झपटती है ना तो सामने से झपटती है, तुम जैसे गीदड़ों की तरह पीछे से वार नहीं करती। शेरनी, वैसे तुम्हारी ये हालत तुम्हारी बहन की वजह से, और ऊपर से दिमाग भी वो बहुत तेज चलाती है, वो जल्द से जल्द तुम तक पहुंचना चाहती है। और उसकी इसी बेकरारी को देखते हुए मैंने अपने प्लान की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर दिया है। क्या हुआ, नहीं समझी? अब रोहन के साथ तुम्हारी शादी कल ही होगी। सपने देखना बंद करो तुम, हम कोई शादी वादी नहीं करेंगे। अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी शादी तो होके रहेगी। तुम्हें ये सब करके? हाँ सुकून, तुम्हारी बहन को बहुत आदत है ना दूसरों के लाइफ में घुसने की, अब उसे पता चलेगा कि किसी के लाइफ में घुसने का क्या मतलब होता है। तुम्हारी शादी के बाद वो टूट जाए और नारायण शुक्ला यानी कि मेरा बाप, उसका सिर सबके सामने छुप जाएगा। मेरी इस करतूत से वो सबके सामने माफी मांगेगा, वो भी हाथ जोड़ के, तब मुझे मिलेगा सुकून। आखिर इन सब में हम कहां हैं? तुम एक मोहरा हो शालू, तुम्हारी शादी के बाद जब जब तुम्हारी बहन तुम्हें देखेगी उसे अफसोस होगा कि राजवीर शुक्ला से पंगा क्यों लिया। अरे आज के लिए इतना ही, हमें और भी काम है, हम सारा वक्त तुम्हें नहीं दे सकते शालू। बुलबुल से इसका पंगा हुआ समझ में आता है, पर कोई अपने ही पिता से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? हे भगवान, कैसे निकले हम यहां से? विशेष जी, शालू जी इससे पहले कोई आ जाए हमें यहां से निकलना होगा, ठीक है? आइए।
ये बताने के लिए आप हमारे जागने का इंतजार कर रहे थे? साले साहब, कल रात से हमारा बेटा घर नहीं लौटा है, इसका मतलब समझते हैं आप? अरे जीजा, आप हम पर घर लाल पीला हो रहे हैं, हैं? हम थोड़ी ना उसको वो घर दिखाएं। आप ही गए थे रिश्ता लेकर गुड्डू मिश्रा के घर पे, अब भांजा उस लॉटरी पर लट्टू हो गया तो हम क्या करें? लट्टू है? इसका मतलब उस लड़की के चक्कर में रात भर से गायब है। साले साहब, एक काम कीजिए, फोन लगाइए साहबजादे को और पूछिए कहाँ है। अरे कल रात से 36.5 बार फोन कर चुके हैं, एक बार फोन लगते लगते रहेगा, फोन बंद आ रहा है। शुक्र मनाइए कि हमने ये बात हमारी बहिना को नहीं बताई, अगर बता देते ना तो अब तक तांडव हो जाता। तांडव बड़ी मेहरबानी किया है आपने, और हम चाहते हैं कि आगे भी निर्मला तक कोई बात ना पहुंचाए तो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस लड़की ने विशेष पर, खुद तो लूट ही रहा है और हमारी गाढ़ी कमाई भी उसके पीछे लुटा रहा है। अभी भी वो रंजू के घर पे होगा। एक काम कीजिए, हमारी बात तो सुनता नहीं, आप जाइए वहां और लेके आइए उसे। आप बेफिक्र रहिए, मैं यूं गया और भांजे के साथ लौटा है। जय भोलेनाथ। गुड्डू मिश्रा से प्रेम संबंध तो खत्म हो ही गया है, अब धन संपत्ति भी जाएगी इस लड़के के चक्कर में। गुड मॉर्निंग गाइस। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुम दोनों की तो बैड मॉर्निंग है। पर मेरे लिए इट्स अ गुड मॉर्निंग। पूछो कैसे। चलो मैं खुद ही बता देता हूं। याद सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे मैंने प्लान किया है, मतलब आज होगी चालू की शादी।